अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एक दिन रात का पहले का था, ईद से पहले की रात, चांद रात का था। ये ड्राई फ्रूट्स में छील रही थी, छिलके उसके उतार रही थी। और ये ईद वाले दिन का है। अच्छे से मैं सेवई वगैरह भून कर ले रही थी, और ड्राई फ्रूट्स जो मैंने मतलब छुल कर रखे थे ना, उसके अच्छे अच्छे लंबे लंबे मैंने काफनी बनाए थे। और यहाँ पे ना केसर को भिगने डाला था दूध में थोड़ा सा, और जब तक वहाँ पे दूध बॉईल मतलब हो रहा था मेरा। और यहाँ पे ना मैं है ना चारूले जो रहते हैं ना उसको यहाँ पे, सॉरी मैंने दूध बॉईल करने के लिए अभी तक रखनी की थी। मैं बोले अभी तब तक है ना पहले ये सब काम फिनिश करती हूँ और बाद में वो करती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि मैं शॉपिंग को भी गई थी, आप लोगों को पता है। और ये है ना चारूले मैंने ना अच्छे से उसको भून के ली हूँ। भुनने के बाद है ना उसके ऊपर के जो छिलके हैं ना वो निकल जाते हैं अच्छे से, फिर खीर में ना वो अच्छे दिखते हैं। और ये धना पाउडर भी मेरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं धना पाउडर भी यहाँ पे अच्छे से मतलब भून रही हूँ धना पाउडर करने के लिए धने को। और ये हाफ के जी थे, लेकिन मैं हाफ के जी की नहीं बनाऊँगी, मैं पाव किलो के मतलब बनाऊँगी। तो अच्छे से मैं ना उसको भून रही हूँ। भूनने से ना उसके जो ये होता है ना सब निकल जाता है, मॉइस्चर जो रहता है। और यहाँ पे मैंने दालचीनी को अच्छे से भून कर ली थी, उसका भी अच्छे से मैं अभी इसका गरम मसाला बनाऊंगी। और मेरा गरम मसाला कैसा मैं बनाती हूँ ये आप लोग देख लो। ये तेज़पत्ता है, ये दगड़ फूल है, ये स्टार अनियन है मतलब बादाम फूल है, और ये नाकेश्वर बोलकर जो रहता है गरम मसाले में, और ये अपना सादा जीरा, ये सब है। ये अभी डालेंगे कढ़ाई में, इसको भी अच्छे से ना 2 से 3 मिनट है ना अच्छे से भून कर ले लेंगे। भुनने से है ना ग्राइंड भी अच्छा होता है अपना मसाला, इसलिए उसको भुनना चाहिए। और ज़्यादा दिन है ना मतलब अपना गरम मसाला रहता है, उसकी स्मेल भी जैसी की वैसी रहती है। ये एक ट्रिक है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और आप लोग ऐसे गरम मसाला बनाओ, इससे क्या होता है गरम मसाले की टेस्ट बहुत बढ़ जाती है। और ये गरम मसाला सब में चलता है, आप बिरयानी में डालो, नॉन वेज में डालो, वेज में डालो, हर चीज़ में चलता है ये गरम मसाला, अच्छा रहता है। अभी ये निकाल दूंगी मैं और वापस और एक गरम मसाला ऐड करूंगी इसमें। ये जायपत्री, ये काली मिरी, ये शाहजीरा, ये लवंग, ये छोटी हरी इलायची, और ये त्रिफला बोलकर जो आता है वो, ये सब भी अच्छे से है ना भून कर है ना मैं उसमें निकाल दूंगी वो बर्तन में। और थोड़ा देर पहले इसको ठंडा करने का, और ठंडा करने के बाद फिर इसको ग्राइंड करने का। वरना गरम गरम हम लोग ग्राइंड करने लेंगे ना उसको है ना पानी छूट जाता है, फिर वो मॉइस्चर सब उसमें आ जाता है गरम मसालों में पाउडर में, इसलिए फिर वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते। इसलिए अच्छे से उसको पहले ना मतलब ठंडा करने का। और ये इलायची की मैं पाउडर बना रही हूँ खीर में ऐड करने के लिए, इसके ना फ्लेवर बहुत है ना खीर का बढ़ जाता है इससे। इसमें ना अभी मैं इलायची और एक जायफल मैंने फोड़ कर लिया था अच्छा सा क्रश करके वो, और शक्कर थोड़ी इसमें ऐड करने का क्योंकि ये जल्दी ऐसा ग्राइंड नहीं होता। और ये तीन इसकी है ना पाउडर बनाने के अच्छे से, इसका फ्लेवर है ना खीर में बहुत है ना ज़बरदस्त आता है, माशाल्लाह फ्लेवर आता है इसका। इसलिए ना इसको अच्छे से इलायची पाउडर को है ना इलायची को पहले अच्छे से और भून के लेने का। इससे क्या होता है उसकी जो मतलब इलायची के ऊपर की जो वो टर्फल रहते हैं ना वो बहुत है ना ऐसे मतलब ठीक वाले रहते, वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं भुनने के बाद। मेरे को थोड़ी गर्म मतलब कम लग रही थी इसलिए मैंने और थोड़ी उसमें ऐड की। ये देखो इलायची मैंने भून दी, और ये सब गरम मसाले अभी मैं ठंडे कर रही हूँ, अभी मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये धना पाउडर और ये गरम मसाले सब, ये देखो मैंने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि अचानक है ना लाइट बीच में बार बार है ना जा रही थी आ रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो नहीं शेयर किया। और ये अभी इलायची पाउडर उसमें धना सॉरी ये भी है जायफल भी है, और ये अभी मैं दूध इसमें डाल रही हूँ बॉईल होने के लिए अच्छे से, और जो सब दूध इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे। और ये 10 लीटर तक दूध था मेरा, और ये जो दूध की थैलियाँ है उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके खंगाल के हम लोग उसमें डाल देंगे। और ये बड़े वाले शेगड़ी पे मैं शिरकुरमा बना रही हूँ, और ये बच्चे बीच बीच में नाच रहे हैं। सिरत की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको थोड़ी बुखार आ गई थी इसलिए वो परेशान कर रही थी बीच बीच में, वहीं पर बैठी थी मेरे को छोड़ नहीं रही थी। इसलिए ये वीडियो भी शायद आप लोगों को लेट मिलेगा ईद का, प्लीज़ आप लोग समझ कर ले लो। और यहाँ पर बार बार है ना दूध को है ना हिलाना पड़ता है बीच बीच में, वरना नीचे ना लग जाता है वो,
पतीले में, फिर उसकी वो मतलब जले हुई या ऐसी स्मेल आती है, अच्छी नहीं लगती वो, इसलिए उसको बार बार है ना हिलाना पड़ता है। और अच्छे से यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है मैंने दूध को, अच्छे से उसको बीच बीच में हिला कर ले लेने का। ये देखो यहाँ पे दूध को बॉईल आ चुका है वापस, मैं एक बार उसको हिला कर ले रही हूँ, क्योंकि एक जैसा हिलाने से ना नीचे फिर वो लग नहीं जाता, नहीं तो फिर वो लगने को चालू हो जाता है वैसे वैसे ही। और इसमें मैं दूसरा ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करती, कोई 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 इसमें खोया भी ऐड करते हैं जो मावा रहता है वो, लेकिन उससे क्या होता है खीर बार बार आप जब गर्म करते हो ना तो फिर नीचे लगने चालू हो जाती है। और मतलब ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो, ऑप्शनल है उसका, कुछ ऐसा ये नहीं है। मैं तो लेकिन नहीं ऐड करती विदाउट खोया की, मेरी खीर बहुत अच्छी बनती है। और बार बार इसको ऐसे हिलाना पड़ता है, देख सकते हो आप लोग, बहुत मतलब एक जैसा आप लोग है ना शिरकुरमा बनाने के लिए खड़े हो जाओगे ना, तो वहीं पे आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए, ध्यान इधर उधर जा मतलब दूसरी जगह किधर नहीं जाना चाहिए। अभी इसमें शक्कर ऐड करके ले लूँगी मैं। 10 लीटर शिरकुरमे के लिए मैंने 1 सवा 1 किलो है ना शक्कर, 1 से 1.5 किलो तक तो शक्कर ऐड की थी मैंने। आप लोग आपके हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपके घर में जैसे पसंद करते हैं वैसा। यहाँ पे ना थोड़ा सा नीचे कुछ तो गिरा था, वो बहुत पैर को मेरे लग रहा था, इसलिए मैंने उसको पोंछ कर लिया हूँ, ली हूँ यहाँ पे। और ये ना सेवई मैंने जो भून कर रखी थी ना वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और 10 लीटर के लिए ना मैंने 400 ग्राम सेवई ऐड की थी, ये बराबर मेजरमेंट है, आप लोग इससे कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन ये इनफ हो जाती है इतने दूध के लिए। और अच्छे से ना उसको ऐड करने के बाद हिलाकर ले लेने का, वरना फिर उसमें गुठलियाँ हो जाएंगी। अच्छे से एकदम हिला के ले लेने का उसको। और अभी इसमें जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे ना वो ऐड करेंगे। इसको घी में ही भुनना, दूसरा कुछ में मतलब काय में नहीं भुनना, जो देसी घी रहता है ना उसमें भून सकते हैं आप लोग। और अच्छे सब ड्राई फ्रूट्स भून के लेने के, तो है ना शिरकुरमे में वो मतलब ड्राई फ्रूट्स की वजह से शिरकुरमा ख़राब नहीं हो जाता, अच्छे से उसको उसमें फ्राई करके ले लेने का। और ये सब ड्राई फ्रूट्स मैं ना उसमें ऐड कर दी हूँ मैंने, और इसको भी अभी अच्छे से ना आप लोग हिला कर ले लेना। और थोड़ा है ना ऊपर से भी हम लोग है ना घी का है ना थोड़ा सा बघार देंगे उसको। आप लोग चाहे तो पहले भी घी का बघार दे सकते हैं। और ये मैंने केसर भिगोने के लिए रखा था 5 मिनट दूध में डालकर, कितना अच्छा उसका येलो कलर आया है देखो। ये सब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, इससे ना शिरकुरमे को है ना बहुत अच्छा है ना कलर आता है येलो येलो, और शिरकुरमे का टेस्ट भी है ना बढ़ जाता है। और ये इलायची की जो पाउडर मैंने बनाई थी ना इलायची और जायफल की, वो 3 चम्मच मैं ऐड करूँगी। मेरा चम्मच देखो कौन सा है, जो हम लोग मतलब पोहे उपमा वगैरह खाते हैं ना वो चम्मच से 3 चम्मच मैं ऐड करूँगी। और वापस इसको अच्छे से ना हिला कर है ना मिक्स करके रख देंगे पकने के लिए 10 से 15 मिनट, जब तक वो अपना मसाला नहीं पकता तब तक। और ये देखो हमारा शिरकुरमा बनकर रेडी है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा बॉईल आ रहा है, मतलब मैंने ऑफ कर दिया है फिर भी थोड़ा थोड़ा बॉईल आ रहा है। और देखो कितने अच्छे से ना शिरकुरमा हमारा बनकर रेडी है।